तकदीर की शौक अंगूठी में जगमग जगमग हरान अली अलमास अली याकूत अली हीरा गोहर मरजान अली अलमास अली याकूत अली हीरा गोहर मरजान से जबान वो आफताबे फजीलत जिसे जबान नहीं करूं जो वस्फ तो इतनी मेरी मजाल वो आफताब फजीलत जिसे जवाल नहीं करूं जो वस्फ तो इतनी मेरी मजाल नहीं तमाम आलम इंसानियत में बादे रसूल खुदा गवाह अली की कोई मिसाल खुदा गवाह अली की कोई मिसाल। समय मोहतरम आले जनाब पीर माशूम साहब बहुत देर से यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बारगाह अमीर मोमिनीन में नजराने अकीदत पेश फरमाने के। तमाम मोमिनीन अल्लाह जहां को दुनिया में बैठे हैं इसमें मेरे मौजे अब्दुल मुकर्रम उस्ताद हजरात भी बैठे हैं तो कुछ साथी भी बैठे हैं और अजीज बच्चे भी बैठे हैं, सबको इस पूर्व मुसर्रत दिन में मैं क्या बयान करूं, लेकिन हम जो ये ईद आज है ना इसका मुकाबला ना हलवा वाली ईद कर सकती है ना बकरे वाली ईद कर सकती है, तो इस मुसर्रत को मुबारक मानी। असल में बताऊं जश्न जो है ये पढ़ा नहीं जाता, जश्न आज दिन को भी मुझे एक किसी अजीज ने सवाल किया कि आप कहते हो कि जश्न मनाया जाता है न कि पढ़ा जाता है, मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझसे पूछते हो ये मनाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आप कहते हो, मैंने कहा जब जश्न हम मनाते हैं तो चेहरे पड़े जाते हैं, मुस्कुरा के बैठिए, खुशी खुशी से बैठिए। अगर मक्की अच्छी हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ने करम कर दिया हमारी मक्की अच्छी हो गई, अगर छोटी सी मुलाजमत मिल जाए तो हम शुक्राने के नफर शुरू कर देते हैं, इतनी बड़ी नियामत अल्लाह ताला ने हमें अदा की, तो इस पे आप खुशी ना करें तो फिर किस पे खुशी करें, खुश होया होया इस दिन में जो करम आज अल्लाह सदके में जो आज इस 13 रजब को ईमान रखने वालों पे किया, शायद ऐसा करम इस करम के लिए अंबिया भी दुआएं मांगते हैं जो हमें भी दुआएं मिल गई, तो लिहाजा इस पे खुशी मनाया करो और खुशी खुशी से एक दूसरे से दुआ करो और मुरझाए चेहरे लेके यहाँ पे ना आया, बेशक हमारे लिबास मैले हैं लेकिन चेहरे हमारे खुश होने चाहिए, दिल हमारा खुश होना चाहिए, मैं बोला तेरा शुक्र कि इतना बड़ा और इतना अजीम दिन हमें अदा किया, तो मैं यहाँ पे छोटी सी बात करूँ, यहाँ किताब है हमारे इसमें कोई शक किसी को शक नहीं, लेकिन समझने की और सोचने की बात यह है कि नबी को अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे महबूब तेरी मर्जी है तू मक्के में रह तू मदीने में रह तू सफर में रह तू मस्जिद में रह तू मैदान में रह, तेरा गुलाम तेरे पास ये कुरान लेके आए, लेकिन अजीब बात है जरा फिक्र करने की बात है, कुरान नबी के पीछे पीछे चल रहा है और जब ये दिन अल्लाह ताला ने लाया तो नबी को कहा कि ऐ मेरे महबूब
अबू जरा वहां पर तो पहुंचो, अली आ गए हैं अली को लेने के लिए। और कहा कि नहीं जी आपने आना है, मैं एक फकीर साथ भी हूँ, एक फकीर साथ भी हूँ, मेरा क्या है। लेकिन अभी ये बच्चा जो पढ़ रहा था कि फकीरों का भी क्या कहना है कि यहाँ पे कौन अफसर है, कौन मुलाजिम है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। हमें इतना मतलब है कि अली का दिन है, ये जहाँ भी मनाया जाए हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बाकी ना किसी पे आसान है, ना मेरा किसी पे ये दुनिया में जाना है, ना हमारी आखिर में जाना है, बस ये हमारा ईमान है। तो अगर कहने में कोई गलती हुई, अब मेरे उस्ताद मोहसिन भी यहाँ बैठे, तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल से पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, तो इनसे दो चार बातें मैंने की, तो अगर इजाज़त हो तो कुछ पेश करूँ। मैं जो गुलाम है मोहम्मद, वो है गुलाम अली। हुजूर ने है ये बताया हमें मुकाम, हुजूर ने है ये बताया हमें मुकाम अली। अभी हदीस का मतलब नहीं खुला तुझ पर, अभी हदीस का मतलब नहीं खुला तुझ पर, अभी तो सीख फकीरों से एहतराम अली, अभी तो सीख फकीरों से एहतराम अली। हराम उन पे नहीं सोज और साज जिनके दिल, हराम उन पे नहीं सोज और साज जिनके दिल भरे हुए हूँ तरन तरनम तरनम से लेके नाम अली, भरे हुए हैं तरनम से लेके नाम अली। हम अहले हिंद गजब के रिंद और हम अहले हिंद गजब के रिंद और हमें हसन हुसैन पिलाते हैं भर के जाम, हसन हुसैन पिलाते हैं हमको जाम अली। बस एक इशारा है अगर समझ पाओ, बस एक इशारा है अगर समझ पाओगे। यहाँ है कलाम मोहम्मद, जहाँ है कलाम मोहम्मद वहाँ कलाम। क्या उसे الطاهرين। आज के इस पुरमसरत मौका विलादत बासआदत मौलूद काबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में हदिया तबरीक मुबारकबाद पेश करता हूँ। नहायत हसीन मौका 13 रजबुल मुरज्जब जानशीन पैगंबर हज़रत अली की विलादत का ये रोज़ है। तमाम आलम इस्लाम का ये इत्तेफाक़ है इस बात पे कि अमीरुल मोमिनीन की विलादत खाने काबा में हुई है।
اسلام اور ایمان کی تکمیل کی باعث جو عظیم ہستی ہے وہ آج کی تاریخ اس دنیا میں تشریف لائی ہے، جس کے ذریعے سے نصرت اسلام بدر سے لے کر کے تمام وہ غزلیں اور سریے وہ تمام جنگیں جو اسلام کے لیے اسلام کی کے لیے لڑی گئی تھی، ان میں جس نے اعلیٰ وہ ہستی امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ہے، اور عالم اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل جن کی شجاعت، جن کی عبادت، جن کی ثقافت، واقعی وہ کمالات ہیں کہ جو عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ہم تمام مسلمان، تمام مومنین ان کی ولادت اس باسعادت کے اس مسرت موقع پر اتحاد و اتفاق، آپسی بھائی چارہ، جو ہمیں ان سے پیغام ملتا ہے، ہم سب کو اس پر متفق ہونے دھن کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔